राजस्थान में सियासी संग्राम के बाद सीएम अशोक गहलोत की राहुल गांधी से कर्नाटक में आज पहली मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में राजस्थान की सियासत की भावी तस्वीर का संकेत मिलेगा। गहलोत आज कर्नाटक के बेल्लारी दौरे पर हैं और वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ पार्टी की जनसभा में हिस्सा लेंगे। बेल्लारी वो इलाका है जहाँ से कभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब कांग्रेस उसी इलाके में जनसभा करने जा रही है। ये जनसभा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में हो रही है। बेल्लारी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का गृह नगर है। गहलोत की राहुल गांधी के साथ आज कांग्रेस अध्यक्ष पद और जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक नहीं होने के घटनाक्रम के बाद ये पहली मुलाकात होगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राहुल सिंह फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कर्नाटक के बेल्लारी में आज जो जनसभा हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं, क्या माना जाए? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि राजस्थान की भावी तस्वीर के संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि जो सियासी घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है उसके बाद ये पहली मुलाकात होगी आज राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत की। देखिए, इसलिए 25 सितंबर को राजस्थान के अंदर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई थी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी अजय माकन को वापस चले गए। तो उसके बाद सारा घटनाक्रम सभी लोगों को पता है, क्या राजनीतिक घटनाक्रम घटा। अशोक गहलोत ने जाके सोनिया गांधी से माफी मांगी और कहा कि मैं एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं कर सका, इसका मुझे खेद भी है। ये सब चीजें हुई। उसके बाद आलाकमान को लेके जो सीएम की बात है तो सीएम यही कहा कि इसके बारे में आलाकमान फैसला करेगा, हालांकि अब तक कुछ फैसला हो नहीं पाया है। और आज बेल्लारी के अंदर सोनिया गांधी की मीटिंग होगी जिसमें कर्नाटक के जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेके एक तरह से आगाज कहा जा सकता है। तो इस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए हैं, वो बेल्लारी की सभा में जाएंगे, वहां पर उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और राहुल गांधी से मुलाकात होगी, क्योंकि राहुल गांधी से उनकी पहली मुलाकात होगी, क्योंकि जब ये घटनाक्रम घटा था उसके बाद से वो कर्नाटक की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। आज उनकी मुलाकात होगी और वहां से निश्चित रूप से कोई ना कोई संकेत दिखेगा उनकी मुलाकात के क्या मायने हैं, वो सब चीजें वहां दिखेगी मीटिंग के अंदर। तो इसको लेके ये संकेत माने जा सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत दिए जा सकते हैं। हालांकि राजनीति है, राजनीति में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तस्वीर जरूर दिखेगी। जी बिल्कुल, यानी कि ये माना जा सकता है कि हाँ, कोई ना कोई संकेत वहां से जरूर मिल सकता है, लेकिन देखा जाए एक तरीके से तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उसके संपन्न होने के बाद ही एक बार फिर से राजस्थान को लेकर गहमा गहमी शुरू होगी। हाँ, ये बात तो तय है कि कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव होगा, 17 अक्टूबर को मतदान होगा, 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, उसके बाद भी कुछ दिन लग सकते हैं, क्योंकि नया अध्यक्ष बनेगा, नया पदभार संभालेगा, नई अपनी रूपरेखा सामने रखेगा, तो इतनी जल्दी होना फिलहाल कुछ लगता नहीं है। हालांकि पहले वेणुगोपाल कह के गए थे कि 2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ राजस्थान के अंदर निकट भविष्य में इतनी जल्दी कुछ फैसला हो जाए। जी बिल्कुल। और राहुल, कोई कार्यक्रम अभी आया है निकलकर सामने कि मुख्यमंत्री गहलोत की कब तक होगी मुलाकात, वहाँ कितनी देर वो रुकेंगे, वापसी का क्या कार्यक्रम है? देखिए, वापसी का कार्यक्रम ओपन रखा गया है, 1:30 बजे तक वहाँ जो सभा होगी वो होगी, उसके बाद कार्यक्रम ओपन है, वो दिल्ली भी जा सकते हैं, जयपुर भी आ सकते हैं। अभी तक का जो कार्यक्रम उसमें ओपन रखा गया है, कहीं भी उनका कार्यक्रम बन सकता है। जी चलिए, बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।